सब्सक्राइब कीजिए बायोग्राफी एंड फैक्ट्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मार्लिन मोनरो एक मॉडल, अभिनेत्री और गायक थी। वह 20वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक थी और अपनी सुंदरता और सफलता के लिए जानी जाती थी। उन्हें अमरीकी संस्कृति में व्यापक रूप से सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उनके जीवन के बारे में। जून 1926 में मार्लिन का जन्म नॉर्मा जीन मॉर्टेंशन में हुआ। उनकी माँ का नाम ग्लाइड स्पर्ल बेकर था और उनके पिता अज्ञात थे, इसलिए उनका नाम पड़ा नॉर्मा बेकर। उनकी माँ की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए पहले 6 वर्षों के लिए मार्लिन को कैलिफोर्निया के हाउथोन शहर में पालक माता पिता एल्बर्ट और इडा बुलेंडर द्वारा पाला गया। तब उनकी माँ ने मार्लिन को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उनका मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से उन्हें मार्लिन को नहीं दिया गया और मार्लिन को विभिन्न अनाथ आश्रमों और पालक घरों में रहना पड़ा। दर्दनाक बचपन ने उन्हें शर्मीला और आरक्षित कर दिया था। अपने 16वें जन्मदिन के ठीक बाद 1942 में मार्लिन ने अपने पड़ोसी जिमी डॉटरी से शादी कर ली। मार्लिन एक गृहिणी बन गई, लेकिन मार्लिन अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी और ऊब रही थी। 1943 में उनके पति अमेरिका के युद्ध के प्रयास में भाग लेने के लिए मर्चेंट मरीन में शामिल होने के लिए चले गए और दोनों जल्द ही अलग हो गए। पैसे कमाने के लिए मार्लिन कैलिफोर्निया के बर्बैंक में एक स्थानीय दुश्मन के कारखाने में नौकरी करने लगी। यहाँ मार्लिन को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला। फोटोग्राफर डेविड कोमर युद्ध के लिए महिलाओं के काम को दिखाने के लिए दुश्मन कारखाने को कवर कर रहा था। वो मार्लिन की सुंदरता और फोटोजेनिक प्रकृति से प्रभावित हो गया और उसने अपनी कई तस्वीरों में उन्हें इस्तेमाल किया। इस वजह से मार्लिन मॉडल के रूप में एक करियर शुरू करने में सक्षम हुई और जल्द ही उन्हें कई पत्रिकाओं के कवर पेज पे दिखाया गया। 1946 मार्लिन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया और उन्होंने अपना नाम उबाऊ नॉर्मा बेकर से ग्लैमरस मार्लिन मोनरो में बदल दिया। उन्होंने एक्टिंग सीखी और 20th सेंचुरी फॉक्स की तरफ से उन्हें उनकी पहली फिल्म का ऑफर मिला। उनकी शुरुआती फिल्में कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन इन शुरुआती फिल्मों की वजह से उन्हें ऑल अबाउट ईव, नियाग्रा, जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड और हाउ टू मैरी ए मिलीनियर जैसी फिल्मों में और अधिक प्रमुख भूमिकाएं मिली। इन सफल फिल्म भूमिकाओं से मार्लिन विश्व स्तर पर फेमस हो गई और हॉलीवुड ग्लैमर और फैशन की एक आइकन बन गई। 1954 में उन्होंने एक बेसबॉल स्टार खिलाड़ी डिमेगियो से शादी की। मार्लिन अब हॉलीवुड की सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस सितारों में से एक थी, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पुराना था। उनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें अन्य सितारों से कम भुगतान दिया जा रहा था। इसके अलावा मार्लिन अब सिर्फ कॉमेडीज और संगीत में सरल भूमिका निभा के टाइपकास्ट नहीं बनना चाहती थी। वेतन और अभिनय की पसंद पर विवाद की वजह से उन्हें अस्थायी रूप से 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा निलंबित कर दिया गया, लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी कुछ मांगों को स्वीकार भी किया और उन्हें उच्च वेतन भी दिया। उन्होंने सितंबर 1954 में द सेवन ईयर इच में अभिनय किया, जिसने मीडिया का ध्यान खूब आकर्षित किया। 1955 में उन्होंने फॉक्स से अधिक स्वतंत्रता मांगी और अपना फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। उन्हें 1956 में बस स्टॉप के लिए गोल्डन ग्लोब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और 1959 में उन्होंने सम लाइक इट हॉट में उनकी भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब भी जीता। डिमेगियो के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया और मार्लिन ने उनसे तलाक ले लिया और मिलर से डेटिंग शुरू की। 1956 में शादी भी कर ली और यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गई। 1960 के दशक की शुरुआत में उनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। वे बार्बिट्यूरेट नाम के एक ड्रग की लत और डिप्रेशन से गुजर रही थी। मिलर के साथ उनकी शादी टूट गई। उनके बीमार स्वास्थ्य की वजह से उन्हें फिल्मों की शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और शूटिंग में अक्सर देरी भी होती थी, लेकिन उनकी अभी भी बहुत मांग थी और अक्सर पत्रिकाओं के फ्रंट कवर पर दिखाई देती थी। 1962 में उन्हें व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जेएफ कैनेडी के जन्मदिन पर गाना गाने के लिए भी आमंत्रित किया गया। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि 1962 में केवल 36 वर्ष की उम्र में बार्बिट्यूरेट ड्रग की अत्यधिक मात्रा लेने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।